और आवाज हम लोग को आवाज रखने मतलब बोलने ही नहीं दिया जाता, आवाज का अधिकार कहाँ से हुआ इसमें, तो हमको तो बोलने का मौका दिया गया ही नहीं है, मैच छीन लिया गया, एक शब्द ही बोले हैं तो मैच छीन लिया गया है। जाने से पहले एकदम जैसे सिनेमा का जो बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, सजाया जाता है उस तरह बहुत अच्छे से उसके को दिखाया जाता है। पावर जनप्रतिनिधि जो पावरफुल जनप्रतिनिधि होते हैं वो समझते हैं, जैसे अध्यक्ष हो गए तो सोचते हैं एक और प्रमुख हो गए वो वन मैन हो गए। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले तो मैं कांटी प्रखंड के जनता वासियों को मेरा प्रणाम और मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम। मैं कांटी प्रखंड की उप प्रमुख सरिता सोनी आज अपने जनता वासियों से कुछ संदेश देना चाहती हूँ कि मैं कल्याण विभाग का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते मैं BDC की बैठक जब भी होती है और हम अपना जो भी मेरा प्रोसीडिंग होता है, हम जब भी बोलना चाहते हैं या लिखवाना चाहते हैं, आज तक जितना भी प्रोसीडिंग लिखाया है मेरा, आज तक एक भी उसका जवाब नहीं मिला है और न ही मेरा प्रोसीडिंग लिखाया है। और जब भी हम अपना और बात भी और प्रोसीडिंग लिखवाना भी चाहते हैं तो मैक हाथ से मैक ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है और दूसरों को दे दिया जाता है। और हम कहते हैं कि हमको बोलने का मौका दीजिए तो रुकिए करते हैं, फिर मौका नहीं मिलता है, BDC की बैठक खत्म होने जाती है और लास्ट में दिया जाता है। जब लास्ट में दिया जाता है बोलते ही रहते हैं, तो बोलते कि चलिए इसको दे दीजिए, मतलब लेटर को दे दीजिए जो लिखा जाएगा और हो गया, और बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जनता को हम कैसे उनका लाभ उन तक कैसे पहुँचाएँ, जब मेरा प्रोसीडिंग लिखाएगा ना उसका जवाब ही नहीं मिलेगा तो उनका लाभ हम कैसे पहुँचाएँगे। और कल्याण विभाग का अध्यक्ष हैं हम तो उनको भी कोई आज तक कोई लाभ हम नहीं दे पाए हैं, और न ही आज तक कभी मेरा खोज हुआ है, न कहीं मेरा साइन है और न ही कुछ मतलब कोई चीज़ भी कोई मीटिंग होता है तो उसमें न ही खोज है न कुछ है, और अपने मर्जी से यहाँ सब कुछ चल रहा है। और इससे ज़्यादा मेरे प्रतिनिधि कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया बंधु को। हमारे माननीय उप प्रमुख सरिता सोनी जी जो बता रहे थे, हमारे कांटी प्रखंड में व्यापक बड़े पैमानों पर समस्या उत्पन्न है, बहुत सी समस्या है जो माननीय उप प्रमुख जो समाज कल्याण विभाग का अध्यक्ष होती है ये जब भी बैठक करते हैं तो सबसे पहले बैठक में नहीं होने दिया जाता है यहाँ, और बैठक जब होता भी है तो रजिस्टर में जो प्रोसीडिंग लिखाता है इनका वो रजिस्टर गायब कर दिया जाता है, क्योंकि अगले बार जो बैठक हम किए थे तो दूसरा रजिस्टर खोला गया था, पहला रजिस्टर नहीं मिला क्योंकि दूसरा रजिस्टर खोला गया था, उसमें भी जो प्रोसीडिंग लिखाया तो आज तक उस प्रोसीडिंग का कोई ना चिट्ठी बना ना चिट्ठी का रिलीज आया जवाब आया। और हम कल्याण पदाधिकारी से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास कोई साधन नहीं, हम तो पंचायती विभाग को ही देंगे लिखने के लिए चिट्ठी बनाने के लिए, वो रख लेते हैं नहीं बनाते हैं तो हम क्या करें। तो इनका जो समाज कल्याण विभाग है वो दलित महादलित STSC दबे कुचले शोषित वंचित का जो विभाग है, तो ये चाहते हैं कि जो दबे कुचले शोषित STSC दलित महादलित का जो कुछ लाभ दे इनके माध्यम से, जो पद पर सरकार द्वारा नामित पद और जनप्रतिनिधि द्वारा जो चयनित पद है, जब उप प्रमुख बने तो सोचे कि अपने दबे कुचले STSC को जो हम अपना लाभ दे सके, तो उस लाभ से रोका जाता है यहाँ कांटी में। और उतना ही नहीं, यहाँ हर विभाग में इनको जब ये आवाज़ बन करके जब ये अपना इनका जब BDC का बैठक होता है इस सदन में जाते हैं बात करने के लिए तो इनकी बात को दबाया जाता है, पहले तो बोलने नहीं दिया जाता है, जब इस कोशिश पूरा अपने तरह से कोशिश करते हैं बोलने के लिए तो हाथ से माइक भी इनका माननीय प्रमुख द्वारा छीन लिया जाता है, जो सदन का अध्यक्ष होते हैं, और कहते हैं कि आप लिख कर करके अपने से दे दीजिए आपका प्रोसीडिंग लिखा जाएगा। इससे पहले भी तो इतना लिखा गया है, कहाँ कोई प्रोसीडिंग रिलीज हुआ, कहाँ कोई प्रोसीडिंग दिया गया। और हम जानना चाहते हैं कि मीडिया बंधु के माध्यम से कि सदन होता क्यों है, लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, ग्राम सभा होता है, प्रखंड में जो BDC का बैठक होता है, जिला परिषद में बैठक, वहाँ क्या बोलने के लिए ना होता है, और लिख के लेना होगा तो लिख कर करके अभी तो सोशल मीडिया की तरफ से व्हाट्सएप पर हो जाएगा, ग्रुप पर हो जाएगा, फैक्स हो जाएगा, पहुँच जाएगा, क्या जरूरी है मीटिंग करने का, क्या जरूरी है लोग को बुलाने का। तो मूलभूत जो समस्या है उसको पर्दा डाला जाता है, जनता का जो मूलभूत समस्या है उसको पर्दा डाला जाता है। और यहाँ इनके महिला होने का जो इनके पास जो समस्या आता है, सो हम जिला अधिकारी महोदय को भी इनके पत्र के माध्यम से चिट्ठी दिए हुए हैं, सभी विभाग में इनका चिट्ठी गया हुआ है,
और वहाँ से भी यहाँ पर जब भी वहाँ चिट्ठी जब जिला से चलता है तो प्रखंड में के पदाधिकारी बोलते हैं हम तो दो दो साल जांच के रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो कोई जवाब भी नहीं देते हैं। जिला पदाधिकारी के तो जिला में 16 वो प्रखंड है, पूरे जिला देखना है, सबका पत्रा गाते रहता है, सबको निष्पादक कर दिए, यहाँ से जवाब एक बार भी जाता नहीं है, जिसके कारण नहीं जाता है। औचक निरीक्षण इनका इनके द्वारा इससे पहले हुआ था स्वास्थ्य केंद्र का, CSC केंद्र का, तो वहाँ जब गए तो वहाँ एक पेशेंट को बेड पर रखा दिया गया हुआ है और उनका सलाइन लगा दिया गया हुआ है पानी चलने के लिए। जब वहाँ नज़दीक हम लोग देखे पहुँचे तो देख रहे पानी पास नहीं हो रहा है, तो हम स्वास्थ्य कर्मी को बुलवा करके इनको बोले कि देखिए भाई को, तो उसको जब देखा जाता है तो पता चलता है बेड पर रखा हुआ एक जो पेशेंट है वो मरा हुआ है। इस विषय में भी हम जिलाधिकारी महोदय को और हम सिविल सर्जन को भी लिखे हैं। मतलब क्या है कि कागज पर कार्रवाई हम लोग सबसे पहला बात है कि प्रकरण क्या नजर आता है, इतना गंदगी उसमें है, पूरा अपने दबदबा चलता है, मनमाना चलता है और भ्रष्टाचार चलता है, यहाँ किसी का सुना नहीं जाता है। हम तो हम माननीय प्रमुख जी के मतलब आवाज़ से अगर बोलना चाहते हैं कि हम तो सरकार को कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि उप प्रमुख पद जो आप द्वारा सरकार द्वारा नामित पद है, जनता द्वारा जनप्रतिनिधि द्वारा चयनित पद है, उप प्रमुख का जो पद है जहाँ कहीं किसी का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, न कहीं सिग्नेचर है, न कोई महत्व है, न कहीं इनका बात का वैल्यू है, तो ऐसे पद को जैसे आप मुख्यमंत्री है, आप तो बिहार के मुख्यमंत्री है, आपने एक ऑडियंस पास किए थे और तुरंत हाल में ही देखना गया है, आप लोगों के माध्यम से भी देखने को मिला है कि सजा पात आनंद मोहन जो है जेल में थे, एक ऑडियंस पास किए, उनके एक ऑडियंस पास करने से सजा पात आनंद मोहन जेल से रिहा हो जाता है, रोष मुक्त हो जाता है। ऐसी भाई माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऑडियंस पास करे और ऊपर पद को ही खत्म कर दिया जाए जहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं समझा जाता है लोग को, इनके जब ज़रूरत ही नहीं है ऊपर पद का तो ऊपर पद बनाए क्यों बना के रखते हैं, न कहीं इनका बोरा बैट हम नहीं देंगे, डीलर को कहा जाता डीलर को बोरा बैट नहीं मिलता है, अब बोरा बैट नहीं मिलता है तो जनता का बोरा खाएगा, जनता को तो चावल चाहिए, जनता को कम तो चावल दिया जाता है डीलर द्वारा, तो चूंकि यहीं से भ्रष्टाचार होता है, यहीं से कम दिया जाता है, इसका भी हम लोग जिला में लिख करके दिए हैं। हम लोग जिला में आंगनवाड़ी जो इनका समाज कल्याण विभाग के अध्यक्ष होने के नाते आंगनवाड़ी में भी निरीक्षण करने जाते हैं तो वहाँ जब लिख कर शिकायत देता है तो उनको बता दिया जाता है कि उप प्रमुख द्वारा आप पर लेटर पड़ा है, बताइए उप प्रमुख द्वारा लेटर पड़ा है, और जब उसके लिए बता दिया जाता है जिला से कि जाएगी आपका काटी से चेक करने जाते हैं तो उनका प्रवेशिका का जो है पहले ही केंद्र को अपने सेविका सहायिका को सूचित कर देता है कि आप पर जाँच आ रहा है, और जाँच जो है जाने से पहले एकदम जैसे सिनेमा का जो बहुत अच्छे से दिखाया जाता है कि अच्छे सजाया जाता है उस तरह बहुत अच्छे से उसके को दिखाया जाता है, वहाँ से लोग चला आता है और फिर गड़बड़ी उसी से उसी है, तो ये सब भ्रष्टाचार घुसखोरी मोटी रकम का लेन देन का मामला है, ठीक है ना। और जनता का जो लाभ है जो सरकार कोशिश कर रही है, हमारे सरकार जो है कोशिश करती है जनता तक जायज लाभ, लेकिन यहाँ जो है बैठे पदाधिकारी लोग जनता तक लाभ नहीं भेजते हैं, रकम लेकर के एकदम बैठ के आराम से बैठे हुए हैं। पूरे प्रकरण में दोषी किनको मानते हैं? दोषी तो हम पावर जनप्रतिनिधि जो पावरफुल जनप्रतिनिधि होते हैं वो समझते हैं, जैसे अध्यक्ष हो गए तो सोचते हैं एक और प्रमुख हो गए वो वन मैन हो गए, वो समझते हैं कि हम ही हैं और कोई है ही नहीं, और यहाँ पर जो पदाधिकारी है उनसे भी साठगांठ कर लेते हैं और एक दोनों एक दूसरे का पहिया समझ करके, वो प्रमुख को तो कहीं कुछ है नहीं, कहीं ना कहीं जैसे कि कोई वित्तीय मामला होता है तो वित्तीय मामले में कितना राशि आया आ कितने एक BDC की बैठक जो होती है, BDC की बैठक तो आपका इसमें सांसद भी उपस्थित रहते हैं, माननीय यहाँ से विधायक होते हैं सब उपस्थित होते हैं, माननीय मुखियागण माननीय जिला परिषदगण सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, वो एक BDC का एक मामला होता है और जो भी जो वित्तीय जो आता है जो सभी को क्या कैसे मिलना चाहिए कोई बैठक नहीं होती, जिनको चाहे कहीं किसी के क्षेत्र में 30 लाख के काम हो जाता है, किसी के क्षेत्र में 5 लाख का काम होता है, कोई क्षेत्र वंचित भी रह जाता है, तो ऐसे चलता है वन मैन। इसमें पदाधिकारी को तो कम से कम सरकार से को साथी माना जाता है, सरकार का काम को निचले स्तर पर उतारने का जो चयन है जो पदाधिकारी होते हैं उनको भी तो चाहिए ताकि कम से कम सभी को लेकर के चले, सभी को समस्या को मूलभूत को देखे और जो जरूरत का काम है वो बैठक कर करके सहसम्मति से इसको आगे ले जाके पारित करे। तो और भी बहुत सी समस्या है कि
समस्या बहुत सी है, मामला पूरा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। पूरा पूरा मतलब प्रमुख हम सदन के सिंहासन पर है, हमारे प्रमुख जी है सदन के सिंहासन पर है। और इस ये जो आप लोग को मीडिया बंधु को हम जब आने का ये आन का नौबत आन पड़ी कि बताइए, जब जनता का बात दलित महादलित का बात सदन में रखा जाता है तो माइक छीन लेना, बोलने नहीं देना, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जबकि पेपर हाथ में लेकर बैठे बोलने के लिए, लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, वो एकदम एक दूसरे को देते रहते हैं। मतलब इसमें जो है तीन चार आदमी ज्यादा प्रमुख जी द्वारा, प्रमुख जी माइक ले लिए है, उसके बाद हमको बोलने का मौका नहीं मिला। लास्ट मौका भी मिला है तो बोले कि लिख के दे दीजिए, प्रोसीडिंग में लिखा जाएगा। फिर हमको बोले कि चलिए बीडीसी का बैठक खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि जनता का जो भी लाभ हो उस तक पहुंचे, और सभागार जो होता है एक तरह से कोर्ट होता है, उसमें सबको अपना आवाज रखने का मतलब कि अधिकार है, और आवाज हम लोग को आवाज रखने मतलब बोलने ही नहीं दिया जाता, आवाज का अधिकार कहाँ से हुआ? क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं जो भी भ्रष्टाचार से पूरा प्रखंड भरा हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हो, और दलित महादलित का जो लाभ हो, जनता का जो लाभ है उस तक पहुंचे, और भ्रष्टाचार खत्म हो।